दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उर्दू हिंदी सिंगुलर प्लूरल की। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी हमारी सीरीज है और इस सीरीज का ये हमारा 11वां वीडियो है। तो आज भी मैं आपके सामने 10 ऐसे सिंगुलर प्लूरल या वाहिद जमा पेश करूंगी जो कि आपके आम बोलचाल का हिस्सा है। आप जब पढ़ते हैं, बोलते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने जो लफ्ज लिया है उसका वाहिद फॉर्म है तारीख। तारीख का मतलब है अंधेरा। तारीख अंधेरा, उसका जमा होगा तारकीन अंधेरे। तारकीन अंधेरे। फिर है हाजिर। हाजिर उपस्थित, जिसे हम मौजूद भी बोलते हैं। हाजरीन, हाजरीन का मतलब होता है उपस्थितियां, और आम तौर पर हाजरीन का मतलब होता है उपस्थित लोग। जाकिर, जाकिर वक्ता या वाचक यानी बोलने वाला। उसका बहुवचन या प्लूरल फॉर्म या जमा होगा जाकिरीन। जाकिरीन का मतलब भी वक्ता और वाचक है। साइल, साइल है प्रश्न करने वाला। लिटरल मीनिंग उसके हैं सवाल करने वाला, साइल। लेकिन आम तौर पर ये फकीरों के हवाले से भी इस्तेमाल होता है। फकीर का मतलब वो सूफी हो सकता है, वो कोई पीर फकीर हो सकता है। साइल, साइलीन प्रश्न करने वाले। फिर है शायक। शायक का मतलब है शौकीन, किसी कला या विद्या का प्रेमी। उसका प्लूरल फॉर्म होगा शायकीन। शायकीन कला और विद्या प्रेमी। साले, साले सदाचारी यानी जिसका आचरण अच्छा है। सालेहीन सदाचारी। अब आप ये सोच सकते हैं कि हिंदी में सदाचारी सदाचारी क्यों है, कला और विद्या प्रेमी कला विद्या प्रेमी क्यों है। इसका एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि क्यों हिंदी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल में तब्दील नहीं होते हैं। आरिफ, आरिफ का मतलब है ज्ञानी। आरिफीन का मतलब भी ज्ञानी। आरिफ ज्ञानी, आरिफीन ज्ञानी। आशिक प्रेमी, आशिकीन प्रेमी। आशिक प्रेमी, आशिकीन प्रेमी। फिर है आकल बुद्धिमान। आकल बुद्धिमान, आकलीन बुद्धिमान, एक से ज्यादा। फातेह, फातेह का मतलब है विजयी। फातेहीन विजयी, ये भी प्लूरल फॉर्म है फातेहीन। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।